चलिए बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, निषाद पार्टी के विधायक का नाम पेपर लीक मामले में सामने आया है। चार्जशीट में एमएलए विपुल दुबे का नाम भी सामने आया है और साल 2006 में रेलवे पेपर लीक में ये दोनों शामिल थे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक किया गया था और पेपर लीक मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा किया है और आशंका जताई जा रही है कि निषाद पार्टी के विधायक का नाम इसमें शामिल है। चार्जशीट में एमएलए विपुल दुबे का नाम भी शामिल है। साल 2006 में रेलवे पेपर लीक में ये दोनों नाम शामिल थे और रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा लीक मामले में ये जो पूरा अपडेट है हम आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा एसटीएफ की टीमों ने इसमें किया है और आशंका जताई जा रही है कि दो नाम सामने है। निषाद पार्टी के विधायक का नाम सामने आया है और चार्जशीट में एमएलए विपुल दुबे का नाम भी सामने आया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर जिस दौरान लीक हुआ, इसमें इन दोनों का मास्टरमाइंड भी हो सकता है और ये दोनों मुख्य रूप में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए निषाद पार्टी के विधायक का नाम सामने रखा है और चार्जशीट जो फाइल की गई उसमें एमएलए विपुल दुबे का नाम भी शामिल है। जानकारी के लिए आपको यह बता दें, साल 2006 में रेलवे पेपर लीक हुआ था, लीक करवाया गया था और रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद अब कई सालों बाद 2006 में यह एग्जाम हुआ था और अब कई सालों बाद इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। निषाद पार्टी के विधायक का नाम इसमें शामिल है और चार्जशीट में एमएलए विपुल दुबे का नाम भी शामिल है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तौकीर, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है, पेपर जिस दौरान लीक हुआ था उसके बाद अब लंबे समय बाद कुछ लोगों का नाम सामने आया है, क्या पूरा अपडेट इस पर? अब देखिए, पूरी तरह से कह रहे हैं विपक्ष को मौका मिल गया है अब सहयोगी दलों को घेरने का। पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो विधायक है बेदी राम, उनका नाम काफी चर्चाओं में रहा और करीब 9 ऐसे मामले हैं जहां पेपर लीक में उनके पहले से एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी उनके खिलाफ एफआईआर थी। अब एक नाम और इस पर जुड़ गया है, वो भी भाजपा के सहयोगी दल है, संजय निषाद, उनके पार्टी के विधायक है विपुल दुबे के विधायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भी नाम 2006 के रेलवे भर्ती बोर्ड में आया था और खासकर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था जिसमें एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। उसमें बताया गया था कि जो विधायक है संजय निषाद के विपुल दुबे, ये जमुनिया से विधायक है और इनके खिलाफ भी पहले कार्रवाई पेपर लीक के जरिए हो चुकी है। पेपर लीक में इनका पूर्णता से नाम शामिल था, यानी कि जो आप विपक्षी दल है तो वो जरूर इसको घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संजय निषाद ने अभी हाल फिलहाल एक बयान भी दिया था और कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को अपने विधायकों पर ध्यान देना चाहिए और उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए टिकट बंटवारा करना चाहिए। फिलहाल आप उनके खुद के विधायक भी अब इस पूरे पेपर लीक स्कैंडल में उनका नाम आ चुका है और कहा जा रहा है कि इस तरह के नेता उनकी पार्टी में भी शामिल है। जरूर मुसीबतें खड़ी करेगा और भाजपा के लिए जरूर ये फिर चुनौतीपूर्ण होगा, कैसे इसे डिफेंड किया जाए। जी बिल्कुल तौकीर, बेहद चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने का एक और मौका मिल गया है। आप इस खबर पर नजर बना रखें और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, झमाझम हो रही बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। कई जगहों पर बारिश राहत बनकर बरसी तो कई जिलों के लिए ये बारिश आफत भी साबित हुई है। एक तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे तो दूसरी तरफ जलभराव जैसी समस्या से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब मौसम विभाग ने 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के शहरों में तेज बारिश की संभावना है तो वहीं कई जिलों में बिजली गिरने का भी अनुमान मौसम विभाग ने पहले जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब लगातार गर्मी के बाद, भीषण गर्मी के एक लंबे अरसे के बाद
बारिश का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं राहत की सांस लोगों ने जरूर ली है इस भारी बारिश के बाद। लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों को भी अब बहुत फायदा मिलेगा। फसलों के मद्देनजर किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है इस वक्त की बारिश, लेकिन कई जिलों में हो रही भारी बारिश अब परेशानी का सबब भी कई लोगों के लिए बन चुकी है। जहां राहत की सांस तो लोगों ने ली ही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भीषण बारिश अब लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है। ऐसे कई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे कई जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है और इस तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति जो है अब वो निर्मित होती लगातार नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, मथुरा, चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सैयद आमिर मोहम्मद प्रयागराज से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सैयद, अब देखा जाए तो बारिश जहां लोगों के लिए थोड़ा चैन लेके आई है, लोगों ने रात की सांस जरूर ली है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है तो समस्या का सबब भी अब बन चुकी है। किस तरह की तस्वीरें आप प्रयागराज में देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से, किस तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा? ये बात कर रही है प्रयागराज की, तो जहां अन्य जिलों में जिस तरह से बारिश के कारण जल समस्या और सारी चीजें हैं, मगर अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो प्रयागराज के कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी तो हुई है, मगर अगर बात करी जाए शहर क्षेत्र में तो अभी भी लोगों को मानसून का इंतजार है। आज इस मौसम में थोड़ी करवट ली है, जहाँ तापमान सुबह से 40 के आसपास था, मगर इस करवट लेने के बाद करीब तापमान इस समय 36 का है और बादल घने छाए हुए हैं। उम्मीद है कि मानसून आज प्रयागराज में आएगा और एक बार मिलेगी और बारिश होगी, मगर बारिश के कारण काफी परेशानी का लोगों को सामना ना होने के कारण उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कब बारिश होती है जिससे कि प्रयागराज के लोगों को राहत मिले, मगर एक तरफ अगर बारिश होती है तो साथ ही दूसरी तरफ महाकुंभ का कार्य भी होना है और जो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है युद्ध स्तर पर, कहीं ना कहीं उससे बारिश से वो प्रभावित होगा और रोका जाना ही पड़ेगा। मगर अभी जब तक बारिश नहीं होती तो युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है महाकुंभ को लेकर, और मगर बेसब्री से लोगों को बारिश का इंतजार है जिससे कि एक बार प्रयागराज के लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है और जिस तरह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर से निकलने को सोचना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। जी जी बिल्कुल सैयद, लेकिन जिस तरह से आपने अभी बताया कि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी निर्मित हुई है, लोगों को भारी समस्याओं का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इस सब के लिए किस तरह के इंतजाम प्रशासन द्वारा यहां पर इन जिलों में किए गए हैं? क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो पाए, तो रोड ब्लॉकेज ना हो, यातायात ठप ना हो? देखिए अगर बात करिए प्रयागराज में तो मानसून का इंतजार है और जिसको लेकर पहले से ही तैयारी की गई है कि जल भराव ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। कुंभ करीब है और महाकुंभ में लाखों की श्रद्धालु, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे और जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जो नालों की सफाई अगर बात करी जाए, जो सीधा नदियों को जो होते हैं और अन्य जगह, तो उनकी भी सफाई कराई जा रही है जिससे जल भराव की समस्या ना हो, और जो अन्य क्षेत्र है और नालियां हैं उनकी बहुत तेजी में काम नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है जिससे कहीं भी जल भराव का समस्या ना हो और जिससे किसी प्रकार की समस्या लोगों को ना उत्पन्न हो, बाढ़ जैसी स्थिति ना आए, और उम्मीद है कि इस बार प्रयागराज में सब कुछ सामान्य होगा। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए सैयद। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी प्रमोद पांडे भी मैनपुरी से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी इसी से संबंधित अपडेट ले लेते हैं। प्रमोद, लगातार भारी बारिश जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत तो बनी ही है, लेकिन ऐसी जानकारी आई है कि कई जिलों में ये भारी बारिश जलभराव की स्थिति पैदा कर रही है, क्या मैनपुरी में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोग परेशान है या उत्साहित? जी बता दूं, बिल्कुल सुबह से आज रविवार है, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और लगातार मैनपुरी में बारिश, इतनी बारिश लगातार बारिश हुई है कि ये पुलिस चौकी हुई है, रेलवे चौकी पुलिस वालों के चैम्बर में पानी भर गया है, पानी निकालते हुए वीडियो वायरल हुआ है, वहीं पर जे नदी चौक के घर पे भी पानी भर गया है और आम जनमानस जो गरीब कुटी के लोग हैं, जो रोड पे रहते हैं, झुकी झोपड़े, उनके घर में तो पानी भरा ही भरा है और कई एक जो नाले की सफाई को लेकर नगर पालिका की पहली ही बारिश में फूल फुलती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं
नहीं, जो साफ सफाई की बात की जाए, नाले सारे ब्लॉक है, तो बारिश जैसी होती है तो जो सीवलाइन का पानी है वो सबके घरों में प्रवेश कर जाता है, और तो कई और ऐसा पानी, थोड़ा बहुत पानी नहीं, काफी उनके कमरों में किचन से लेकर सब जगह पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल प्रबोध, लेकिन जिस तरह से ये भारी बारिश हो रही है, लगातार गड्ढों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या प्रशासन द्वारा कोई एक्शन प्लान इस दौरान इस स्थिति के लिए नहीं बनाया गया, या कहे बारिश ही इतनी हुई है कि कोई प्लान ही लागू नहीं हो पा रहा? मैं तो बता दूं, बारिश तो सुबह अभी रेड जो अलर्ट भी हुआ है, कल भी बारिश के काफी आकार होने के, आज जो बारिश सुबह 4 बजे से चालू हुई थी और लगातार बारिश होती रही, तो बारिश की जो तेजी थी, इतनी तेज बारिश हुई थी, तो उसका बहाव जो है रोडों पर नहीं आ पाया और घरों में पानी घुसने लगा। जब तक प्रशासन अलर्ट होता तब तक इतनी अधिक बारिश हो चुकी है मैनपुरी में, तो अभी भी घरों में जल भरा हुआ है। चलिए ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सैयद आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आप क्या मौसम विभाग ने कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की है, जिस तरह से भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में कोई एहतियातन कदम उठाने चाहिए? सैयद मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर किसी वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैनपुरी से प्रमोद पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद आपसे ये सवाल मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी जो अभी मैं सैयद मोहम्मद आमिर से पूछ रही थी, मौसम विभाग ने क्या कोई गाइडलाइंस जारी की है, किसी तरह के निर्देश प्रशासन द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए कोई एहतियाती कदम? ऐसा कुछ नहीं है, लगातार अलर्ट जारी किया है, आज भी बारिश के काफी अलर्ट जारी किया, कल का भी अलर्ट जारी किया है कि कहीं बारिश होगी, उसको लेकर जो नगर पालिका के जो चेयरमैन है उन्होंने आज से जो जो सीवर लाइन है और जो नाले हैं उनकी साफ सफाई करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार सबसे पहले जो बारिश होती है वो सीवर लाइन भर जाती है, सीवर लाइन भरने के बाद जो नाले है कचरा भर हुआ पानी पॉल्यूशन को लेकर वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद जो सीवर लाइन का पानी है वो घरों में प्रवेश करने लगता है, तो इसको लेकर आज जो नगर पालिका अध्यक्ष है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है प्रमोद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है, यह कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। दरअसल अखिलेश यादव आज इटावा पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी को अभी से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उपचुनाव में अभी समय है और बीजेपी हारने जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला आरक्षण के खिलाफ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं, ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। देखिए ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा, अभी तो तारीख ही नहीं पता कि चुनाव कब होगा, इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पर उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मन की बात कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम का 111वां एपिसोड है, जहां कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर
अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। बीच टाउन में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार 17 सालों से हर भारतीय को था। टीम इंडिया एक बार फिर T20 विश्व कप विजेता बन गई। ब्रिज टाउन में टीम इंडिया की जीत तय होते ही अचानक भारत के सभी शहरों और कस्बों में पटाखे फूटने लगे, शोरगुल होने लगा, युवा जोर जोर से इंडिया इंडिया चीखने लगे। ये सब रात के करीब 11:30 बजे हो रहा था। जो टीवी पर मैच पर देख रहे थे वो तो माजरा समझ गए, लेकिन जो क्रिकेट से दूर रहते हैं वे एक पल को सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। छतों और बालकनियों से झांकने पर पता चला कि इंडिया ने तो मैच जीत लिया है, वो भी वर्ल्ड कप का। ये नजारा किसी एक शहर और कस्बे तक सीमित नहीं रहा, भारत के हर शहर हर कस्बे का यही हाल था। नोएडा के तो तमाम अपार्टमेंट्स में लोग बालकनी में आकर थाली बजाने से लेकर शंख तक बजाने लगे। कुछ लोगों ने देशभक्ति के गीत फुल साउंड में लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि दिवाली आज ही मनकर दम लेगी। जो लोग ये सब ना कर सके वे जोर जोर से इंडिया इंडिया चिल्लाकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। ये 8 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों की 8 तस्वीरें। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहां पर देखा जा सकता है कि सभी लोगों में उत्साह है, खुशी की लहर सभी लोगों में दौड़ी हुई है और अलग अलग तरीकों से सभी लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी खुशियों को जाहिर करते हुए अलग अलग तरीकों से यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सभी के लोगों में तिरंगा है, तिरंगे को फहराते हुए अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं और एक गर्व की स्थिति लोगों में है। गर्व महसूस कर रहे हैं भारत पर। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर ये T20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और उसी की खुशी इन सभी लोगों में देखने को मिल रही है। और बीती रात आधी रात को ये सभी लोग सड़कों पर मौजूद थे और सभी लोगों द्वारा कुछ इस तरह से जश्न मनाया जा रहा था जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है, साथ ही ये भी कहा कि हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी
आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।